आज के वीडियो में स्लिप बनाना बताऊंगा। दोनों साइड का स्लिप बना के और पैड लगा के कंप्लीट दिखाऊंगा। ये जो मार्क लगाए थे हम स्लिप का, इतना कपड़ा छोड़ देंगे, कभी भी अगर ये मूवी छोटा हो गया तो बड़ा कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये पल्ला को हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के देखेंगे कि पल्ला एंड तो नहीं रहा है, रिंकल तो कहीं नहीं आ रहा है ना। अगर रिंकल रहेगा तो हम इसको आगे पीछे करके वहाँ से सिलाई मारेंगे। तो अभी रिंकल कहीं पे भी नहीं आ रही है, हम सिलाई मारेंगे। इसका अस्तर मैं पहले से मार रखा हूँ, स्टिचिंग कर रखा हूँ। अभी इसको ये देखेंगे साइड में, यहाँ पे पीछे का हिस्सा है, ये अस्तर में भी है ना, हम इसको ऐसे बैठा देंगे। ये पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसको हम चिड़वा करेंगे यहाँ पे, ये चिड़वा रहेगी, इसमें प्रेस मारेंगे। लेकिन फिलहाल में हम इसको आज दिन अटैच करने के बाद ही प्रेस मारेंगे। इसको ऐसे पकड़ के देखिए, दोनों आस्तीन को मैंने प्रेस मार लिया हूँ। दोनों आस्तीन इस तरह है, कुछ भाई ने कमेंट करके हमें बताया था कि एक साइड का आस्तीन नहीं बताइए, दोनों साइड का आस्तीन स्टिचिंग करके और लगा के बताइए, ताकि लोगों को समझ में आए। नया आदमी सीखने वाला है, उसको समझ में नहीं आएगा। एक आस्तीन आप लगा के दिखा दिया, तो मैं इस बार दोनों आस्तीन लगा के दिखाऊंगा। फिलहाल में एक आस्तीन को साइड करते हैं और ये सामना पल्ला वाला आस्तीन को उठा लेते हैं। तो देखिए, ये पतला कपड़ा है, आस्तीन में बहुत बारीक कपड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो गोलाई है यहाँ पे मैं स्टिक चिपका दिया हूँ, ताकि ये है ना यहाँ पे रिंकल जैसा ना आए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम यहाँ से इतना पकड़ लेंगे, एक आस्तीन का अस्तर है ना, उसमें सिलाई मारना पड़ेगा। हम इतना पकड़ लेंगे, ये हम इतना पकड़ लिए। अब ये जो चिड़वा है ना, इसको ऐसे पकड़ के हम इतना अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आस्तीन है, आस्तीन का अस्तर लगाते ये देखिए, ये गोलाई देखिए, ये गोलाई। अब यहाँ से ये गोलाई से एक इंच मार्क लगाएंगे, ये अस्तर को अंदर डालेंगे। यहाँ से मास्टिंग चलाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह पकड़ लेंगे, एक दाब का मार्जिन देंगे, सिलाई मार देंगे, उसमें से कच्चा मार देंगे। Thank you.
यहाँ आए या ना, अब यहाँ से यहाँ तक हल्का हल्का रिंकल देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से ऐसे पलटी मारेंगे, इसको क्या करेंगे हम इसको पलटी मार के देखेंगे कि हमारा अस्थि कैसा दिख रहा है, सही से लगा या नहीं। ये देखिए अस्थि ऐसा दिखेगा, ऐसा यहाँ पे रिंकल रहेगा। तो ये रिंकल है क्या है कि हम इसको सिलाई मारेंगे ना तो ये रिंकल है ना आपस में मिल जाएगी, यानी रिंकल जैसा दिखेगी नहीं। दूसरा हस्ते हम इस तरह लगाएंगे, पहले ये नाप ये ज्वाइंट नापेंगे बैग में कितना ज्वाइंट आ रहा है, ये दिख से पकड़ के अच्छा से बैठा के चार इंच आ रही है, यहाँ से 4 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे गोलाई से ऐसे करके इस तरह करके 7.5 इंच है। यहाँ से हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इसको गोलाई करेंगे, साढ़े सात इंच पर मार्क लगाएंगे। ये देखिए पल्ला हम इस तरह रखेंगे, ऐसे रखेंगे ये जो मार्क लगा है, मार्क को पड़े जैसे आस्तीन पर रखेंगे और ये सुई से उसके बाद हम इसको पलटी मार लेंगे, इसको ऐसे हम पलटी मार लेंगे। ये जो मार्क लगा है बैक में अभी यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। ये दोनों साइड का आस्तीन लग गए। अब क्या करेंगे, अब सिलाई मारेंगे अंदर से, अब पैड लगाएंगे।
लगेगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इनका। इसको बीच सेंटर में एक मार्क लगा देंगे। इसका रिंकल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इस तरह दिखेगी, एकदम साफ स्ट्रेट दिख रही है। पैड लगने के बाद फिनिशिंग बढ़ गई है इसका। यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, ये आस्तीन को हम ऐसे अस्तर को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको नीचे के हिस्सा में ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ के अस्तर में सिलाई राउंड मार लेंगे। अस्तर पैक हो गया। इसको पलटी करते हैं, ऊपर से देखते हैं कि अस्तर हमारा सही लगा कि नहीं। ऐसे करके देखें, कहीं से खींच नहीं रहा, यानी अस्तर सही अटैच हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ज्वाइंट मिला के, दोनों ज्वाइंट मिला के उसके बाद हम यहाँ से हाथ के सुई से यहाँ तक टाँका मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी इतना दूर में टाँका मार लेंगे ताकि ये खस के ना अपने जगह पर बैठा रहे। इसी तरह से आपको दूसरा भी अस्तर अंदर से सिलाई मार लेना है। अब उसके बाद कॉलर लगाएंगे,